हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो कॉन्टेंट से जुड़ी ढेर सारी बातें। दोस्तों, कॉमिक जगत में हमें कई किरदार ऐसे दिखे हैं जो कि जंगल से संबंधित हैं और कुछ किरदार काफ़ी फेमस रहे हैं और कुछ समय के साथ दब कर रह गए। सभी जंगल सुपर हीरो करेक्टर्स में फैंटम, टार्जन और कॉनन द बारबेरियन की झलक दिखाई देती है। ऐसे ही एक सुपर हीरो के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि है डायमंड कॉमिक्स के किरदार महाबली शाका। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात ओरिजिन की जाए तो डायमंड कॉमिक्स में इस बात की बहुत बड़ी खराबी रही है कि इसमें कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी को सही तरीके से नहीं बनाया गया। कुछ एक किरदारों को छोड़ दिया जाए तो डायमंड कॉमिक्स में किसी भी किरदार की ओरिजिन सीरीज सही से नहीं बनाई गई। फिर भी महाबली शाका की एक ओरिजिन स्टोरी किसी किसी शुरुआती कॉमिक्स में संकेतिक रूप से बताई गई थी, जिसमें डकैतों से मुठभेड़ में शाका के पूर्वज को चमत्कारी नाग के द्वारा बचाया गया और अपने इस नए जीवन से प्रेरित होकर शाका प्रथम शपथ लेता है कि वह अपने जीवन अन्याय के विरोध में समर्पित कर देगा और इसके बाद उसके वंशज भी यही करेंगे, ठीक बिल्कुल फैंटम की तरह। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट है कि नाग दौते के द्वारा शाका को आशीर्वाद प्राप्त होता है कि उसकी हर पीढ़ी में उसी की तरह एक चमत्कारी पुत्र पैदा होगा। उसी की तरह लगभग 1000 साल और 99 पीढ़ियों से महाबली शाका कोसीमा के भीड़ों में अन्याय और अपराध के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए है। जैसा कि देखा गया है, शाका के रंग रूप को कोनन द बारबेरियन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता दिखाया गया है। बेमिसाल लड़ाका और असीमित ताकत का मालिक किसे बताया गया है। वह जंगल के प्राणियों से बात भी कर सकता है, उनकी बात को समझता भी है। शाका के साथ उसका घोड़ा चेतक और एक चमत्कारी और रहस्यमय नाग भी हमेशा दिखता रहता है जो कि शाका की बात को समझता भी है। महाबली शाका अपने साथ एक पिस्टल और चाकू कैरी करता है। वह समय समय पर कोसीमा के जंगलों से बाहर भी जाता है। भारतीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर भी उसने काम किया है। कोसीमा के जंगलवासी महाबली शाका को नागपुत्र और देवता पुत्र भी कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाबली शाका की एक छोटी सी ओरिजिन स्टोरी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही हमारी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसे ही कॉमिक्स और सुपर हीरो कॉन्टेंट से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।